यूनिट टू फाउंडेशन इज ओवर। फाउंडेशन के बाद मेजर टॉपिक था आपका कंक्रीट। सबको पता है कंक्रीट क्या है, वेरी सिमिलर टॉपिक है आपका मोर्टार से। मोर्टार पे हम जब हम एग्रीगेट को ऐड करते हैं वो आपका कंक्रीट बन जाता है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर प्लस एग्रीगेट, दैट इज योर कंक्रीट। ठीक, अब इस कंक्रीट में जब हम पढ़ रहे हैं दैट मीन्स मुझे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है। सीमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सैंड हमको पता है, वाटर हमको पता है, एग्रीगेट के बारे में हमको नहीं पता है। थोड़ा सा एग्रीगेट को देखते हैं, व्हाट इज एग्रीगेट। ये क्वेश्चंस क्या है आने वाली नहीं है, बट आपको एक नॉलेज होना चाहिए व्हाट इज एग्रीगेट। एग्रीगेट टू टाइप्स के हैं, फर्स्ट है आपका फाइन और नेक्स्ट है आपका कोर्स। हाँ, अब फाइन एग्रीगेट मतलब आपको पता है ऑलरेडी, यू आर सिमिलर टू द टर्म सैंड। कोर्स मीन्स ग्रेवल, जो गिट्टी हम आज तक यूज करते आए हैं वो कोर्स एग्रीगेट है, और फाइन मीन्स सैंड है आपका। कभी भी मैं एग्जाम के टाइम पे या कहीं पे भी पूछूं या बोलूं, कोई भी बोले फाइन एग्रीगेट मीन्स आपको समझ जाना है वो सैंड को बोल रहा है, और कोर्स बोले तो गिट्टी दैट मीन्स ग्रेवल को बोल रहा है। आप इसको फाइन एग्रीगेट मत बोलो तो भी चलेगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एग्रीगेट बस लिखा है क्योंकि मैंने सैंड पहले ही लिख दिया है। एग्रीगेट बोल रही हूँ दैट मीन्स इसकी बात कर रही हूँ, फाइन एग्रीगेट बोल रही हूँ तो फिर इसकी बात कर रही हूँ। चलो अब एग्रीगेट आपको पता चल गया, साइज को लेके देखते हैं। ये आपका 4.75 mm से छोटा होगा या इतना होगा, लेस देन और इक्वल टू दिस साइज, लेस देन और इक्वल टू दिस साइज। अब ये साइज जो है कैसे पता चलेगा आपको कि हर ग्रेन का साइज यही है। सीव एनालिसिस आप लोग कर रहे थे अभी फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट का, इस साइज का सीव आता है। सीव छन्नी के साइड में ऐसा लिखा रहता है 4.75 mm, उसको छानोगे जितना उससे छोटे होंगे वो पास हो जाएंगे या जो उससे बड़े होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। दैट मीन्स आपको समझ में आ जाएगा कि ये फाइन एग्रीगेट की कैटेगरी है। कोर्स एग्रीगेट की कैटेगरी क्या है, जो कि 4.75 mm से बड़ा होता है, अप्रॉक्स 10 to 20 mm तक, 10 से 20 mm तक हो सकता है, इससे बड़ा पर इससे छोटा या इतना। ठीक है, दैट इज योर ग्रेवल। अब मैं 4.75 से बड़ा बोलूं तो वो कितना भी बड़ा हो सकता है, दैट विल बी योर बोल्डर ऑल्सो। तो बोल्डर नहीं है, ये है आपका इससे बड़ा पर इससे छोटा, 10 to 20 mm। 10 mm 20 mm की गिट्टी आप लोग देखे होंगे, ज़्यादातर 20 mm की गिट्टी जो रहती है मीडियम साइज़ के हम लोग यूज़ करते हैं, 10 mm की थोड़ी छोटी होती है उससे, और जो जीरा गिट्टी होती है ना वो उससे भी छोटी होती है, पर उसको हम बेसिकली यूज़ नहीं करते, बहुत कम कंस्ट्रक्शंस में फ्लोरिंग वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, अब आपका फाइन और कोर्स को लेके बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके अकॉर्डिंग आपका डिविजन किया हुआ है। जैसे साइज है फाइन और कोर्स, वैसे कोर्स का भी डिविजन किया हुआ है। ठीक है, जिसको मैं बोल सकती हूँ ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स। अरे 10 mm टू 20 mm, ये जरूरी नहीं कि चश्मा लगाए तो नहीं दिखेगा, हो सकता अगले ने थोड़ा छोटा लिखा हो, ये भी हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं है। चलो अब है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स। ग्रेडिंग मींस जैसे आप हर चीज का ग्रेड देते हैं, ए ग्रेड स्टूडेंट बी ग्रेड स्टूडेंट, वैसी ग्रेडिंग बनी हुई है अलग अलग एग्रीगेट्स की। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि एग्रीगेट्स आपके सिलेबस में नहीं है। एग्रीगेट्स है क्या, बस मैं ये बता रही हूँ। अब ग्रेडिंग में आपको समझ में आ जाएगा कि इस ग्रेड का यूज करना है कि ग्रेड टू का यूज करना है। सारी चीजें आप किससे पता चलेंगी, सीव एनालिसिस से। जैसे मैं बताई ना कि मीडियम है आपका 10 हो गया, थोड़ा बड़ा 20 हो गया, जीरा गिट्टी से छोटा हो गया, तो उस हिसाब से आप ग्रेडिंग का यूज़ करोगे। इसमें बहुत कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, इतना आप बस समझ लो। अब मेन चीज़ आपकी आती है जिसके लिए मैं आप सबको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें, वो है आपका कॉन्क्रीट।
अगर आपका एग्रीगेट में इतने डिविजन्स है तो डेफिनेटली आपके कॉन्क्रीट में भी कुछ ना कुछ ग्रेड होगा, है ना, कॉन्क्रीट का भी ग्रेड होगा। सीमेंट का ग्रेड किसी को याद है, जब मैं बताई थी इसके पहले ग्रेड ऑफ सीमेंट, किसी को किसी के साथ मिक्स नहीं करना, कुछ ऐसा याद आ रहा है क्या? 33, 43 और 53, ये जो है आपका, ये आपका है ग्रेड ऑफ सीमेंट। सीमेंट की भी किसी ना किसी ग्रेड से हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, एग्रीगेट की भी ग्रेड से हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब किस चीज का ग्रेड बच गया आपका, याद करो मोर्टार मिक्स का एक प्रोपोर्शन बताई थी मैं, जो भी है, अगर ब्रिक वर्क का है तो वो अलग है, पॉइंटिंग का है तो अलग है, डीपीसी का है तो अलग है, प्लास्टरिंग का अलग है, सीलिंग का अलग है। दैट मीन्स मैं अकॉर्डिंग टू वर्क मेरा उसका प्रपोर्शन बताई थी। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मोर्टार का कोई ग्रेड नहीं है, मोर्टार का कोई ग्रेड नहीं है, सिर्फ उसका अकॉर्डिंग टू वर्क के हिसाब से हम उसका प्रपोर्शन चूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सीमेंट का ग्रेड होता है, कॉन्क्रीट का ग्रेड होता है। कॉन्क्रीट का ग्रेड क्या होता है, जिससे हम कॉन्क्रीट को जस्टिफाई करते हैं। कॉन्क्रीट के ग्रेड को मैं लिखती हूँ एम से, और जितना ग्रेड मेरा स्टार्ट होगा, सपोज 10 से स्टार्ट हुआ तो लिखा M10। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता है, व्हाट इज ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का ग्रेड क्या है। आपका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, एम का मतलब होता है मिक्स, जो प्रोपोर्शन हम यूज करेंगे, सीमेंट इज टू सैंड इज टू एग्रीगेट, एग्रीगेट मीन्स कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का जो प्रोपोर्शन हम यूज करेंगे वो मिक्स होगा आपका, जिसको हम एम से डिनोट करेंगे, और 10 जो होगी उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगी इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये चीज ध्यान से देखना, कॉन्क्रीट की ग्रेड क्या है और कॉन्क्रीट को हम लोग ग्रेड का मतलब क्या है। कॉन्क्रीट की ग्रेड M10 है, मतलब समझ जाना कि M जो है उसका मिक्स ऐसा होगा। वैसे 10 जो है, जितना भी आप बनाओगे मिक्स, इस मिक्स का स्ट्रेंथ कितना आना चाहिए, 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आना चाहिए। सिमिलरली आपके बहुत सारे ग्रेड्स हैं, कहाँ से स्टार्ट होगा, M10, M15, M20, ऐसे पांच के वेरिएशन में M40, इतने पूरे ग्रेड्स हैं। नहीं, वाटर का कंटेंट अलग है, वाटर अलग से नाप के देते हैं, कैसे नापते हैं, कैसे क्या करते हैं, प्रपोर्शन में बताऊंगी, ठीक। ये आपका हो गया, अब इसका अगर मैं मिक्स बोल रही हूँ तो इसका भी कोई ना कोई मिक्स होगा, ऐसा कुछ मिक्स होता होगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल 1:2, 1.5:3, ये M10 का नहीं है ना, ये आपके एग्जाम्पल के लिए लिखा है मैंने, ये हो सकता है ये रेशियो M15 का हो, M20 का हो, ऐसा। पर आपको याद करना है कहाँ तक, M40 तक याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। एक टेबल है, अभी ये मिक्सेस को बोलोगे तो आपको अचानक से कुछ भी ध्यान नहीं आएगा, क्या करोगे, इस टेबल का रेशियो ऐसा बना हुआ है कि आपको ऑटोमेटिक वो ध्यान में रहेगा, बस ये 10, 15, 20 इसको आप सिस्टमेटिक रखोगे। इसमें एक चीज है, M30 तक आपका मिक्स का रेशियो है, उसके बाद आपके मिक्स के रेशियो नहीं है, इसके बाद आगे और भी होगा मिक्सेस, जितने मिक्सेस चाहो बना सकते हो, पर इसके आगे इसका रेशियो नहीं है। रेशियो क्या है इसका, क्या हो जाएगा, मिक्स डिजाइन से बनेगा। दैट मीन्स यहाँ तक हम लोग नॉर्मली यूज कर सकते हैं, जो रेशियो हमको दिया गया है, इसके ऊपर का ग्रेड चाहिए या स्ट्रेंथ चाहिए तो हमको एक डिज़ाइन बना करना पड़ेगा कॉन्क्रीट का, जिसको मैं बोलती हूँ मिक्स डिज़ाइन। और ये मिक्स डिज़ाइन इज अ वास्ट और ह्यूज टॉपिक, जो हम 8th सेमेस्टर 7th सेमेस्टर ये सब टाइम पे पढ़ते हैं। मतलब ये कॉन्क्रीट डिज़ाइन जो है ना, ये हम लोग कोड बुक से करते हैं। कोड बुक क्या होता है, लॉक टेबल देखा है आप लोगों ने, लॉक टेबल की वैल्यूज आपको याद नहीं रहती है, एग्जाम में आपको प्रोवाइड किया जाता है, वैसे मिक्स डिज़ाइन के लिए कोड बुक होती है, उस कोड बुक को प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद उस कोड को देख देख के हमको सॉल्व करना पड़ता है। मिक्स डिज़ाइन अलग प्रोसीजर है। तो अगर इसके ऊपर भूले भटके आपको मिक्सेस पूछा गया तो आप क्या लिखोगे, सॉल्व बाय मिक्स डिज़ाइन, और कुछ नहीं, सिर्फ लिखोगे सॉल्व बाय मिक्स डिज़ाइन।
पर वो लोग इतना अच्छा देते ही नहीं है क्वेश्चन, वो इसके ऊपर का पूछते हैं। ऊपर का पूछेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1:2, 2:3 ऐसा ऐसे रेशियोज लिखने पड़ेंगे। ध्यान रहे मोटार का रेशियो अलग था, वो अकॉर्डिंग टू वर्क पूछा जाएगा, इसका ग्रेड से आपको पूछा जाएगा। ग्रेड क्या है, ये कॉन्क्रीट का ग्रेड। ग्रेड कैसे होता है यहाँ पे एक बार देख लो, ग्रेड को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, आ गया समझ में, ये रेशियो सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा था, अब हाँ सबका अलग अलग है, मैं दे दूंगी, टेबल है मेरे पास, ये मैंने सिर्फ बताने के लिए लिखा है। ये मोस्ट मतलब बोलना चाहिए कि मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन इन वाइवा आपको कंक्रीट का ग्रेड का मिक्स पूछ लेंगे कि आपको बताओ रेशियो बताओ M20 का। अगर बोलेंगे M20 का रेशियो बताओ तो आपको याद होना चाहिए क्या है वो। चलो ये जो है, कभी भी अगर कोई ग्रेड बोलता है दैट मीन्स 33 Nm/mm² क्या है इस वाले सीमेंट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, ग्रेड ऑफ सीमेंट क्या है समझ आ गया, मोटार मिक्स प्रपोर्शंस क्या है वो पता है आपको, कंक्रीट का मिक्स प्रपोर्शंस क्या है पता चल गया। ठीक है, मैं जब रिवाइज कराऊंगी सीटी के पहले तब एक बार वापस से रिपीट कराऊंगी। सारी चीज़ें अलग अलग है, सीमेंट अलग है, कंक्रीट अलग है, मोटार अलग है। अब आते हैं आपके कंक्रीट पे कि कंक्रीट में एक्चुअली क्या होता है। कंक्रीट बोलेंगे तो दो टाइप के हैं, एक है आपका फ्रेश और एक है आपका हार्ड। फ्रेश कंक्रीट मतलब ये मेरा कंक्रीट है और ये है आपका, ये मेरा फ्रेश है और ये मेरा है हार्ड कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट बोलो क्या है भाई, जिसको फ्रिज में रखा है, जो न्यूली बना हुआ है, गीला है हमारा कंक्रीट। ठीक, वेट कंक्रीट इज योर फ्रेश कंक्रीट, और फ्रेश को मैं क्या बोल सकती हूँ, ग्रीन कंक्रीट। ग्रीन कंक्रीट को मैं क्या बोल सकती हूँ, फ्रेश कंक्रीट और वेट कंक्रीट। हाँ, ग्रीन सीमेंट भी वही है जो न्यू बना रहता है। हार्डेंड मीन्स ये है ड्राई कंक्रीट। कंक्रीट की दो स्थिति है हमारे पास, दो स्टेट्स है, चलो दिस इज फ्रेश ग्रीन वेट, तीनों चीजें सेम है, हार्डेंट और ड्राई सेम है। अब अकॉर्डिंग टू द कंक्रीट आपके प्रॉपर्टीज भी डिफर करेंगे, गीला है तो अलग होगा प्रॉपर्टी, सूखा है तो अलग होगा। अगर गीली है तो मैं प्रॉपर्टीज पे बात करती हूँ, प्रॉपर्टीज कैसे कैसी होगी। नंबर वन प्रॉपर्टी होगी आपकी, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन मीन्स अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। जब देखना कंक्रीट में आपकी सीमेंट कम डालोगे तो सारी चीज़ें अलग अलग दिखेंगी आपको, गिट्टी थोड़ी अलग अलग, आपको अलग सब मतलब चीज़ें बिखरी हुई दिखेंगी, सेपरेटेड दिखेंगी। जहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल की कमी होगी वहाँ पे सेग्रीगेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो, तो शॉर्ट में मैं क्या लिख सकती हूँ, सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स, सेपरेशन ऑफ मटेरियल ड्यू टू लेस बाइंडिंग मटेरियल। अब आपका है नेक्स्ट है आपका सेकेंड ब्लीडिंग। व्हाट इज ब्लीडिंग, खून बहना। अब कंक्रीट में खून तो नहीं बहेगा, क्या बह सकता है, पानी बह सकता है, तो फ्लो ऑफ वाटर। जब हमारा वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाता है कंक्रीट में तब क्या करूंगी, मैं बोल सकती हूँ कि मेरा पानी अलग से वो बाहर निकलता हुआ दिखेगा, उसको मैं बोलूंगी ब्लीडिंग। कई बार देखना आपके कंक्रीट को लोग फॉर्म वर्क में कॉलम बना रहे हैं, उसके बीच में कंक्रीट को प्लेस किया, थोड़ा सा पानी निकलता है सीमेंट जैसा, वो है आपका ब्लीडिंग। जो पानी का फ्लो होगा कंक्रीट में अलग हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, वो है आपका ब्लीडिंग। ठीक, थर्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका टर्म, जिसको मैं बोल सकती हूँ वर्केबिलिटी
ये एक बहुत मेजर टॉपिक है। अब तक क्या था, ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट इंपॉर्टेंट था, अब आपका प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। फ्रेश के लिए अलग है, हार्डन के लिए अलग है। फ्रेश में आपका ये वाला जो प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है, सीटी में भी आएगा, इस सेक्शन में नहीं हर सेक्शन में आएगा। ठीक, इस चीज़ को ध्यान से सुन लो, आएगा कि नहीं कन्फर्म नहीं है, पर मैं बता रही हूँ कि ये सिटी में इधर नहीं आएगा तो एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, हर बार आता है। गलती से अगर कोई छूटा तो छूट सकता, अदरवाइज आता ही है। वर्कैबिलिटी क्या है? वर्कैबिलिटी एक नया टर्म है जो आप लोगों ने देखा नहीं सुना नहीं। वर्कैबिलिटी, इन दोनों को आप अपनी आंखों से देख के जस्टिफाई कर सकते हो, वर्कैबिलिटी को नहीं। वर्कैबिलिटी एक ऐसा टेस्ट है जिससे मैं ये पता कर सकती हूँ मेरा कॉन्क्रीट को काम में अगर मैं यूज़ करूँ तो वो कितना ईजिली हैंडल हो जाएगा मेरे से। कहने का मतलब, कैसे, जैसे आप लोग बैठे हो फॉर एग्जाम्पल पढ़ने के लिए, इसके पास फैन नहीं है तो उसको प्रॉब्लम हो रही है लिखने के लिए, आपके पास अच्छी टेबल नहीं है, कुशनिंग नहीं है तो आपको टिकने में प्रॉब्लम हो रही है, अच्छी कॉपी नहीं है, पेन अच्छे से नहीं चल रही है तो प्रॉब्लम हो रही है। यही चीज़ मैं क्या करती हूँ, सोफे में बिठा देती हूँ, एसी वाली क्लासरूम पे, स्मूथ वाला पेन जो हर डिग्री पे काम करे, तो आपके लिए ईजी है होमवर्क करना, क्लासरूम में बैठना ईजी है। मीन्स कितने ईजीनेस के साथ आप किसी काम को कर सकते हो, दैट इज़ योर वर्कैबिलिटी। अब ये चीज़ कॉन्क्रीट पे अप्लाई करेंगे तो कॉन्क्रीट पे आप कितना ईजी तरीके से काम कर सकते हो, कितना अच्छा है आपका कॉन्क्रीट कि आप उसके इतने अच्छे से काम कर सकते हो, तो वो हमारी वर्कैबिलिटी को शो करता है। डेफिनेशन है, द ईजीनेस बाय विच वी कैन हैंडल प्लेस और ट्रांसपोर्ट द कॉन्क्रीट इज कॉल्ड वर्कैबिलिटी। द ईज बाय विच we handle place support the concrete is called workability। अब workability अगर ये हो गई तो इसको find out करने का भी कोई तरीका होता होगा। लैब में मैं ये टेस्ट आप लोगों को करवा दूंगी जिस दिन कॉन्क्रीट प्रिपेयर कराऊंगी। ये आपके लैब टेस्ट में नहीं है, सिर्फ देखना है आपको कैसे होता है। ठीक है, ये थर्ड सेमेस्टर में है, जो सिविल वाले हैं थर्ड सेमेस्टर में जाते ही ये वाला प्रैक्टिस करते हैं। अब वर्कैबिलिटी नापने के लिए भी कुछ होगा टेस्ट, तो आप लोगों ने देखा होगा आइसक्रीम खाते टाइम पे कोन होता है, कोन को अगर मैं कट कर दूँ नीचे से तो नीचे भी एक डायमीटर बन जाएगा, ऊपर भी एक डायमीटर बन जाएगा, जिसको मैं फ्रस्ट्रम के नाम से जान सकती हूँ, फ्रस्ट्रम के नाम से जानती हूँ। अब इस फ्रस्ट्रम में दो हैंडल बना दूँ मैं, हाँ जैसे अपने को ट्रॉफी वगैरह नहीं मिलती तो उस टाइप की दिखेगी। अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। आपको यही वाला कोन यूज करना है, एक फ्रस्ट्रम टाइप ऑफ कोन है जिसको मैं वर्कैबिलिटी कोन बोलूंगी या फिर क्या बोलूंगी, फ्रस्ट्रम तो नहीं बोलूंगी, यहाँ पे स्लम कोन बोलती हूँ इसको मैं, स्लम कोन इसका नाम है, स्लम कोन। अब मैं क्या करूँगी, प्रोसीजर सुन लो, वर्कैबिलिटी को टेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे टेस्ट ऑफ वर्कैबिलिटी है। क्वेश्चन कैसे आता है, डिफाइन वर्कैबिलिटी, राइट एनी प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग एनी वन टेस्ट। तो एक टेस्ट मतलब मैं दो टेस्ट पढ़ाऊंगी उसमें से आपको एक आ जाएगा, और अगर नहीं बोलता है एनी वन तो वो अपने नाम से पूछेगा कि स्लम टेस्ट दो या कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट दो, नाम से भी पूछ सकता है। अब टेस्ट कितने टाइप के हैं, फर्स्ट है आपका स्लम कोन टेस्ट जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, दूसरा है आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, और ऐसे बहुत सारे टेस्ट है, टेस्ट के नाम अलग अलग है बट हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ दो। तो पहले पे जाते हैं स्लम कोन टेस्ट में, ध्यान से सुनना प्रोसीजर क्या करना है। सबसे पहले कोन को एक ट्रे पे रखोगे, ट्रे पे रखा, ट्रे पे रखने के बाद मैंने एक ग्रेड का ट्रे सिंपल ट्रे जो काम करते हैं ना, उस ट्रे के ऊपर रखा मैंने कोन को, नीचे से खुला है ना ये, कॉन्क्रीट डालूंगी तो गिर जाएगा तो मैंने ट्रे पे रख दिया उसको। अब मैं किसी भी ग्रेड का एक कॉन्क्रीट बनाती हूँ, M10, M20, M15 किसी भी ग्रेड का एक कॉन्क्रीट बना लिया मिक्स वगैरह करके। अब उसमें मैं इस पे इसको फिल करना है, एक बार मैं फिल नहीं करूँगी, इसमें मैं तीन लेयर्स पे फिल करूँगी। फर्स्ट लेयर पे फिल किया, फिल करने के बाद मेरा एक रॉड होगा, देखा दादी वादी लोग पान कूट के खाते थे, वैसे पान को कूट के खाते उखली में दादी वगैरह लोग,
तो एक बड़ा सा रॉड है जिसका नाम है टैंपिंग रॉड। इस रॉड का नाम है टैंपिंग रॉड। इस टैंपिंग रॉड से मैं इसको 25 बार टैंप करूंगी, मतलब कॉम्पैक्ट करूंगी फर्स्ट लेयर को। दोबारा से इसमें सेकेंड लेयर पे मैं ऐड करूंगी और टैंपिंग रॉड से वापस 25 बार मैं उसको टैंप करूंगी। फिर हाँ मतलब अब टोटल मिला के 50 हो गया। ऊपर वापस से थर्ड लेयर पुट करूंगी, वापस 25 बार मैं टैंप करूंगी। ठीक है, अब टैंप करने के बाद मेरा पूरा फिल हो गया अच्छे से। अब क्या होगा, एक टाइम के बाद मीन्स एक मिनट रुक के या फिर आधा मिनट रुक के, गिनो कितने हैं अभी। एक मिनट आधा मिनट हम भी रुकते हैं, गिन लो। पचास, गुड। अब फिल हो गया, एक मिनट आधा मिनट रुक गए। उसके बाद मैं इसको ऊपर उठा दूंगी, इस कोन को। कोन को ऊपर उठाई तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसा कुछ शेप मिलेगा, ऐसा कुछ शेप मिलेगा ना, या फिर कैसा शेप मिलेगा, कुछ ऐसा शेप मिलेगा या फिर कुछ ऐसा शेप मिलेगा। तीन टाइप के शेप की मेरी संभावना है। अगर पहला शेप मिला तो इसको मैं क्या बोलूंगी, ट्रू स्लम। दैट मीन्स मेरा स्लम कोन में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। सपोज ये मेरा फ्रस्टम है, ये मेरा स्लम कोन था, उसी की हाइट का ये निकल के आया है फर्स्ट। और अगर दूसरा रहा तो मैं बोलूंगी शियर स्लम, मीन्स थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो गया, इतने हाइट का इसने ब्रेकडाउन ले लिया, कोलैप्स में पूरा गिर गया। दैट मीन्स इसको मैं बोलूंगी कोलैप्स स्लम। अब इन तीनों में एक सवाल है मेरा, वर्कैबिलिटी इसी से जज करेंगे। वर्कैबिलिटी कैसे जज करेंगे इसमें, कि किसमें अच्छी वर्कैबिलिटी होगी। तीन रिजल्ट है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब बताओ, दैट मीन्स इसका मतलब है, मेरा डेफिनेशन ही ये बोल रहा है कि जिसमें अच्छे से काम कर सको। काम स्ट्रेंथ अच्छा है कि नहीं वो तो बात की बात है, पर मैं काम किस में अच्छे से कर सकूंगी, इस पे। किसी में भी फिल करूं वो इजीली शेप ले लेगा, ज्यादा टैंप करने का जरूरत नहीं, कुछ नहीं, हैंडल करने में भी इजी, हल्का है। ठीक, अब इस चीज को मैं क्या बोल सकती हूँ, इसकी वर्कैबिलिटी अच्छी होगी। पर इससे मैं क्या जस्टिफाई कर सकती हूँ कि मेरी वर्कैबिलिटी का लेवल क्या होगा। अगर शियर स्लम है दैट मीन्स मेरी वर्कैबिलिटी बीच बीच की है, ठीक है आप कर सकते हो सारी चीजें। पर ट्रू स्लम क्या शो कर रहा है, उसमें पानी का कंटेंट कम है, तभी वो पूरा खड़ा था। अगर पानी का कंटेंट ज्यादा होता तो वो गिर जाता। दैट मीन्स इस पर मैं अच्छे से काम नहीं कर सकती। इसमें मेरा सरफेस हो सकता है टेक्सचर रफ हो, काम अच्छे से नहीं कर सकती, पर हो सकता है स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये भी हो सकता है। पानी कम है, अच्छे स्ट्रेंथ दे, तो स्ट्रेंथ इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पर मैं क्या बोल सकती हूँ कि इसके जो शेप है ये वैरी करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्कैबिलिटी। वर्कैबिलिटी किस में अच्छी होगी, मेरी कोलैप्स स्लम में। ठीक है, अब सिर्फ इसको देख के भी मैं नहीं बता सकती कि मेरी वर्कैबिलिटी का फैक्टर क्या है। जैसे भूकंप आता है तो भूकंप का भी एक सिस्मिक जोन होता है, 1.2 ऐसे में आता होगा, 5-6 में आया तो प्रलय, सब खत्म। तो वैसे वर्कैबिलिटी का भी फैक्टर है, 4, 5, 6, 7 वर्कैबिलिटी किस नंबर पे हम उसको तोलेंगे या किस नंबर पे मेजर करेंगे। तो उस मेजरमेंट के लिए वर्कैबिलिटी का एक लिस्ट है, तो वो लिस्ट मेरे नोट्स में बना हुआ है, आप लिस्ट के अकॉर्डिंग उसमें लिख सकते हैं कि वर्कैबिलिटी 5 है तो मीडियम वर्कैबिलिटी, वर्कैबिलिटी 7 है तो हाई वर्कैबिलिटी, ऐसा। ठीक है, एक टेबल है, उस टेबल पे वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। मीन्स आपके 8 नंबर पक्के हो गए, डेफिनेशन एक नंबर, आपका जितना प्रोसीजर आपने समझाया स्टेप बाय स्टेप, वो डायग्राम बनाया कौन सा स्लम है, और लास्ट में लिखोगे कि आपकी वर्कैबिलिटी किस में अच्छी है। और अच्छी बात है अगर आप उसमें नंबर से डिनोट कर सको, 5 मतलब मीडियम वर्कैबिलिटी, 7 मीन्स हाई वर्कैबिलिटी। ठीक है, प्रोसेस में कोई दिक्कत परेशानी, एकदम ईजी प्रोसेस है। 3 बार में फिल करना है, अब 3 बार में फिल करोगे, 25 बार टैंप करना है। इस चीज को ध्यान रखना, जब भी कोई प्रोसीजर लिखो तो जितना डिटेल और बारीकी में उसको लिख सको तो वो अच्छा नॉलेज देता है, आपको दिखता है कि इसके पास नॉलेज है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आपको एक और चीज बता देती हूँ। ये 10 सेंटीमीटर का होता है इसका डायामीटर,
इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर का होता है, इसकी हाइट 30 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है, ये याद रखना है, 10 20 30 सिंपल, 10 20 30। और इस जो टैंपिंग रॉड है, टैंपिंग रॉड की भी डायमीटर याद रखनी है, 16 mm का डायमीटर वाला टैंपिंग रॉड यूज करना है, 16 mm की डायमीटर वाला टैंपिंग रॉड यूज करना है। प्रोसेस वैसे बता दूं, ठीक, एक फ्रस्टम कोन है, एक ट्रे पे प्लेस करेंगे, किसी भी ग्रेड का जो हमको पसंद हो उसका एक मिक्स ले लेंगे, बना लेंगे, जैसे मैंने बताया सीमेंट एंड एग्रीगेट का प्रपोर्शन ले लेके पानी डाल के बना लिया। अब उसके बाद इसको हम लोग को फिल करना है 30 सेंटीमीटर को 3 बार, डैट मीन्स 10 10 और 10, 10 सेंटीमीटर पहले फिल करना है। अब 10 सेंटीमीटर को मुझे फिल करने के लिए, फिल करने के बाद जितना अपने अंदाजे से डाला, अपने ऐसे एकदम नाप के नहीं, अंदाजे से डाला, 25 बार टैंपिंग रॉड से टैंप करना है, कॉम्पैक्ट कर दिया, उसके बाद वापस से दूसरा लेयर फिल करना है। अब वो 20 लेयर फिल हो चुका है, वापस से 25 बार टैंप करोगे, फिल हो गया, फिर तीसरा लेयर 25 बार में वापस से टैंप करके फिल करना है। उसके बाद टैंपिंग रॉड का कोई काम नहीं, निकाल के फेंक दो, एक मिनट रुक जाओ, उसके बाद आप कोन को ऊपर उठाओ। कोन को ऊपर उठाओगे तो आपको 3 शेप का कुछ देखने को मिल सकता है, कोई भी 3 शेप आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। अगर ये आया ट्रू स्लम मीन्स बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, 3 to 4 mm का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि ये कॉन्क्रीट है तो एकदम सॉलिड ट्रू तो नहीं आएगा, 3 से 4 mm का डिफ्लेक्शन हल्का सा आ सकता है, अदरवाइज को ट्रू स्लम ही हम कंसिडर करते हैं। शियर स्लम में आपका काफ़ी वेरिएशन दिखेगा, मोर देन हाफ आपका कटा हुआ दिखेगा, गिर जाएगा, कोलैप्स में पूरा बह जाएगा, ठीक है। इतना ही आपका प्रोसीजर, इन तीनों को देख के आपको बस याद रखना है किसकी वर्कएबिलिटी अच्छी है, ठीक है। पहले हमको भी यही लगता था जब हम स्टूडेंट थे, ट्रू स्लम जो होगा उसकी वर्कएबिलिटी बहुत शानदार होगी, बाद में समझ में आया कि नहीं, डेफिनेशन का मतलब ही कुछ और है, डायामीटर है, ये डायामीटर का साइन है। हाँ, नहीं मैंने प्रोसीजर ऐसा लिखा हुआ है, करोगे तो कुछ होगा नहीं, जितना आना है वो तो उतना ही आएगा, उतना ही समाएगा उसमें। 25 बार इवनली टैप करना है, एक जगह पे नहीं, अच्छे से हर तरफ से करेंगे, ये वाला हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे क्या आता है, ठीक है। ये थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कराया था, और जब कॉन्क्रीट बनाएंगे ना तो वर्कएबिलिटी वाला टेस्ट ये स्लम कोन वाला भी करेंगे और कॉम्पैक्शन फैक्टर वाला भी करेंगे, साथ ही में रखा हुआ है सारा सामान वहीं पे, एक साथ बनाएंगे एक दिन, और जितना बचा हुआ कॉन्क्रीट होगा उसका मोल्ड बना देंगे, क्यूब बना देंगे। यही तो दिक्कत है ना, जिस दिन आप, जिस दिन मैं आऊंगी ना तैयार होकर, उस हिसाब से फिर मैं करवाऊंगी। आप जो भी हम लोग करेंगे ना टेस्ट परफॉर्म, उसको यहीं से सीख लेंगे, यहीं से कर लेंगे, उसके बाद वहां जाके परफॉर्म करेंगे, देख लेना। हाँ, आप लोग बोल रहे सर आप सामान निकाल दीजिए हमको, ये सामान है हम करेंगे, हम लोग खुद ही से सब परफॉर्म कर लेंगे। चलो, खत्म हो गया वर्कएबिलिटी, टाइम देखो कितना बचा है, कॉम्पैक्शन फैक्टर बता सकते हैं क्या? 10 मिनट बचा है, हो जाएगा, बता दूं कॉम्पैक्शन फैक्टर भी, सुन लो, सुनना ही तो है। इसमें कुछ याद रखने लायक है क्या जो भूल जा रहे हो? कुछ भी याद रखने लायक नहीं है, इसको बताती हूँ मैं, इसको मिटा दे रही हूँ। आज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट करते हैं, कल हम लोग हार्डन कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टीज करेंगे, ठीक है। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट बहुत इजी है, एक डायग्राम में देखो, यहाँ पे कुछ ऐसी वाली मशीन देखी हुई क्या, लगी हुई देखा है ना आप लोगों ने, कहाँ पे लगा हुआ देखा है? साइड में लगा हुआ देखा है, यहाँ पे एक हॉपर रहता है, हॉपर रहता है, और यहाँ पे ये मशीन क्या है आपकी, कॉम्पैक्शन फैक्टर मशीन है। अब जब जाओगे तब देखना, एक फ्रस्ट्रम ही है, ये एक सिलेंडर है, मेरा सिलेंडर थोड़ा सा हाइट कम है उसके, कॉम्प्लेन नहीं पिया है उसने, जगह नहीं थी, ठीक है, मेरा सिलेंडर है ये। अब क्या है ये कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के लिए, इस मशीन का नाम ही है कॉम्पैक्शन फैक्टर मशीन। इसमें एक फ्रस्ट्रम लगा है जो कि उल्टा है, स्लम कोन में हम कैसे कर रहे थे वैसे टेस्ट कर रहे थे, ठीक,
ध्यान रखना, अब इसको उल्टा कर दिया है, उल्टा किया है और दो आपके रखे हुए फ्रस्टम और नीचे एक सिलेंडर रखा है। अब इसमें क्या एक चीज अलग है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है इससे और इसका वॉल्यूम ज्यादा है इससे, मतलब बड़ा कौन सा हुआ, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब मुझे वापस से सेम प्रोसीजर करना है। प्रोसीजर क्या है, कंक्रीट बनाना है किसी भी मिक्स का, 20, 10, 15 जिसका बनाना है, बना लिया, बना के इस फ्रस्टम में फिल कर दिया पूरा। फिल करने के बाद कोई टैंपिंग रॉड नहीं, कुछ नहीं, नीचे एक हॉपर लगा है, देखना वो खुल जाता है, ढक्कन खुल जाती है उसकी, इस ढक्कन को खोल देंगे, क्या करेगा आके पूरा नीचे गिरेगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो नीचे गिर जाएगा। ये पूरा फिल हो गया, अब इसका वॉल्यूम इससे ज़्यादा है तो फिर क्या करेंगे, इसका भी हॉपर रिलीज करेंगे और ये नीचे गिरेगा, ये भी फुल हो गया, फुल होने के बाद बचा हुआ जो है वो नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूँगी, इस सिलेंडर को रिमूव करूँगी और इसके अंदर का जितना कॉन्क्रीट है उसको मेजर करूँगी वेइंग मशीन से, जितना भी आया, सपोज आया एक्स, मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, ये पार्शियली कॉम्पैक्टेड जो है वो है एक्स। पार्शियल कॉम्पैक्टेड क्यों, कॉम्पैक्शन मीन्स कॉम्पैक्ट करना, वॉइड्स कम करना। इसमें मैंने एक बार भी कॉम्पैक्ट किया क्या, नहीं किया, कैसे कॉम्पैक्ट हुआ, ये खुद ब खुद अपने प्रेशर से जितना कॉम्पैक्ट हुआ, बाकी मैंने खुद भी कुछ से कॉम्पैक्ट नहीं किया, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, पार्शियली कॉम्पैक्टेड जो है वो एक्स है। अब मैं क्या करूँगी, इसी सिलेंडर को, जो कंक्रीट मिक्स मैंने थोड़ा ज़्यादा करके बनाया हुआ है, इस सिलेंडर को सेम प्रोसीजर से वापस से फिल करूँगी, मतलब ये सिलेंडर मैंने अलग से ले लिया, अब इस सिलेंडर को मैं 3 पार्ट में फिल करूँगी। फर्स्ट पार्ट में फिल करने के बाद 25 बार टैम करूँगी, दूसरे बार फिल करने के बाद वापस 25 बार, तीसरे बार करने के बाद वापस 25 बार, मीन्स मैंने अच्छे से कॉम्पैक्ट करके कॉन्क्रीट को फिल किया, जितना कॉन्क्रीट आ जाएगा आ जाएगा, सरफेस को प्लेन कर दूंगी, फिर एक ट्रे में इसका पूरा वेट लूंगी, फिर एक ट्रे में इसका पूरा वेट लूंगी, और पूरा वेट लेने के बाद मैं क्या बोलूंगी, ये फुल्ली कॉम्पैक्टेड, जितना भी आपका कंक्रीट होगा वो वाई है, ठीक है। अब पार्शियली कॉम्पैक्टेड और फुली कॉम्पैक्टेड का मुझे क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, पार्शियली कॉम्पैक्टेड और फुली कॉम्पैक्टेड का एक परसेंटेज निकालना है, कि अगर पार्शियली कॉम्पैक्ट हुआ जिसमें मैंने टैंपिंग रॉड यूज़ नहीं किया और जिसमें टैंपिंग रॉड यूज़ करके कॉम्पैक्ट किया, मीन्स इसकी वॉल्यूम ज़्यादा आएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने अच्छे से कॉम्पैक्ट किया है, तो थोड़ा वॉल्यूम, मतलब क्या बोल सकती हूँ, एक्स मेरा छोटा होगा वाई से। इससे मुझे क्या पता चलेगा, जो भी फैक्टर निकलेगा वो होगा मेरा कॉम्पैक्शन फैक्टर, कॉम्पैक्शन फैक्टर। और कॉम्पैक्शन फैक्टर कैसे निकलता है आपका, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 कुछ ऐसा निकलता है, क्योंकि आपने परसेंटेज निकाला है इनटू 100 करके, तो आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर कुछ इस टाइप का निकलेगा। और इसी कॉम्पैक्शन फैक्टर से एक वर्कएबिलिटी का चार्ट बनता है, एक टेबल बना बनाया आपको प्रभु ने दान दिया है, जिसमें लिखा हुआ है कॉम्पैक्शन फैक्टर एंड फैक्टर ऑफ वर्कएबिलिटी। सपोज आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर अगर 0.6 है, आपकी वर्कएबिलिटी 5 से 6 पे वेरी करेगी, तो आप क्या बोलोगे, मेरा कॉम्पैक्शन फैक्टर अगर 0.6 आया है तो मेरी वर्कएबिलिटी क्या है, 5 to 6, मीन्स मीडियम वर्कएबिलिटी है, ठीक है। ये चार्ट आपको बना बनाया मिलता है, इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, बस इस वैल्यू को वैरी करते हुए आप देखोगे। अच्छा, ये वाला जो चार्ट है, अब जब लैब में जाओगे इस मशीन के जस्ट ऊपर लगी हुई है, मशीन के ऊपर ऐसे देखोगे तो आपको वो चार्ट दिखेगी जिसमें वर्कएबिलिटी का वैल्यू दिया हुआ होगा कॉम्पैक्शन फैक्टर के कंपैरिजन, जितना वैल्यू आएगा उस वैल्यू को मैच करते हुए आप वर्कएबिलिटी का फैक्टर बता सकते हो कि इतनी वर्कएबिलिटी है इस कॉन्क्रीट की। दोनों टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हो, ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है, जब वर्कएबिलिटी वहाँ से ना अच्छे से पता चले तब आप कॉम्पैक्शन फैक्टर यूज़ करोगे, कॉम्पैक्शन फैक्टर जब ना हो तो एक और टेस्ट है जिसका नाम है, सिर्फ नाम सुन लो, उसको पढ़ेंगे नहीं, VB टेस्ट, ये भी रखा हुआ है VB टेस्ट। ये सारे वर्कएबिलिटी को फाइंड आउट करने के आपके टेस्ट है, पर आपको एग्जाम में बेसिक सिविल में जितना आपके सिलेबस में है, स्लम को ज़्यादातर आता है, ये थोड़ा बहुत आता है और ये नहीं आता है, पर बहुत सारे हैं, 5 से 6 टाइप्स है।
पर हमारे मशीन में कंक्रीट लैब में ये तीन एकदम सामने दिख रहे हैं। इसका टेस्ट प्रोसीजर सुन लो, सिर्फ सुन लो, ठीक है, आपको मजा आएगा सुन के। वीबी का मतलब है मधुमक्खी भिनभिनाती है ना, बी मीन्स मधुमक्खी और वी मीन्स जब वो भिनभिना रही है, तो मधुमक्खी भिनभिनाती है मतलब इसको मैं मशीन में परफॉर्म करूंगी। कॉम्पैक्शन फैक्टर, अच्छा पहले कॉम्पैक्शन फैक्टर समझ में आ गया आपको, कोई डाउट है किसी को? जब भी कंक्रीट बनाएंगे हम साथ में सारे टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। कंक्रीट कब बनाओगे आप लोग? जब कंक्रीट के क्यूब को तोड़ने के लिए आप मोल्ड में डालोगे उसको, आप लोगों का टेस्ट है ना कि कंप्रेशन टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट कितना स्ट्रेंथ देता है, उस टाइम पे कंक्रीट तो बनना ही है, थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे ताकि हम लोग ये टेस्ट को देख सके। लिखना कुछ नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, अब वीबी का क्या काम है? वीबी ना एक ऐसा बड़ा सा सिलेंडर जैसे रखा है, बाजू में ही रखा है, दिखाऊंगी, सिलेंडर जैसे रखा है वर्कएबिलिटी टेस्ट करने के लिए। जब हम उसमें कंक्रीट डालते हैं ना, कंक्रीट डालने के बाद उसका मशीन को ऑन करते हैं, वो एक वाइब्रेटर है। जैसे आप कंक्रीट को डालोगे तो वो तो ऐसे ही स्टैंड मोड पर रहेगा, टाइम अगर कुछ वाइब्रेट करोगे तो उसमें सेकेंड्स नोट करते हैं जब तक वो पूरा सेटल होकर प्लेन नहीं हो जाता वो सरफेस। और जब वो वाइब्रेट होता है ना, मधुमक्खी भिनभिनाने की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है मधुमक्खी भिनभिना रही है, इसीलिए उसका नाम है वीबी टेस्ट। हम सिर्फ सेकेंड्स नोट करते हैं कि कितने सेकेंड में हमारा कंक्रीट सेटल डाउन होकर प्लेन हो गया उसका सरफेस। इसमें टैंपिंग करने के लिए रॉड यूज़ नहीं किया, मारा नहीं, कहीं कुछ नहीं किया, सिर्फ वाइब्रेटर ऑन किया, वाइब्रेटर से वो पूरा प्लेन हो जाएगा। और जितना सेकेंड नोट होगा उस सेकेंड के अकॉर्डिंग वर्कएबिलिटी का फैक्टर होगा। जैसे कॉम्पैक्शन फैक्टर का ये है ना, वीबी में कैसा होता है, 2 to 3 सेकेंड में अगर हो गया तो देगा 5 to 6 वर्कएबिलिटी। वहाँ पे आप सेकेंड्स को देख के ये जस्टिफाई करोगे कितनी वर्कएबिलिटी है, ठीक है। कई बार तो कॉन्क्रीट की कंसिस्टेंसी ऐसी रहती है कि डाले तो वो खुद ब खुद प्लेन हो जाता है, 0 to 1 सेकेंड्स में भी वो वेरी करता है, ठीक है। तो वीबी टेस्ट क्या है आपका? मधुमक्खी भिन बनाने वाला टेस्ट है। और किसी को कोई डाउट है वर्कएबिलिटी क्या होता है? समझ गया वर्कएबिलिटी को अच्छे से, बहुत मेजर टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इसके बाद आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डन्ड कॉन्क्रीट, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी तक के लिए आप इतना दिमाग में सेटल कर लिए हो, बहुत ज्यादा पोर्शन बचा नहीं है, ठीक है, चलिए।